नमस्कार, मैं भारती कपासिया, स्वागत है आप सभी का वकील साहब इंडिया में। इस वक्त हम दिल्ली के 30,000 कोर्ट में मौजूद है। यहाँ पे बार एसोसिएशन के इलेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, तो तमाम वकीलों से अभी आपको बातचीत कराएंगे, आपको दिखाएंगे क्या उनके व्यू है, क्या रिव्यू है, तमाम बातें आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं 30,000 कोर्ट के अंदर। सर नमस्कार, वकील साहब इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम जानना चाहूंगी। अमन शर्मा। तो अमन सर, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, किस पोस्ट के लिए सर? मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10। सर पहली बार लड़ रहे हैं जी। कितने साल का एक्सपीरियंस आपको रह चुका है? 7 इयर्स। तो सर आप क्या करना चाहेंगे यंगस्ट के लिए, थोड़ा सा बता दीजिए जी। यंग के लिए मॉनेटरी एक इनकम प्रोवाइड कराना चाहूँगा और उनको रिस्पेक्ट दिलवाना चाहूँगा जो उनको मिलती नहीं है जी। तो सर मैं आपको बता दूँ, जो इंटर्न बच्चे आ रहे हैं काफ़ी दूर से आ रहे हैं और काफ़ी दिक्कतों का उन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, इंटर्न के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जी? इंटर्न के लिए इनकम में एक मंथली फिक्स इनकम हो उनके लिए करना चाहूँगा और उनको रिस्पेक्ट मिले और उनको आगे आगे ले जाया जाए ताकि काम करें फ्यूचर में, वो परमानेंट रहे। अगर सर आप इस पोस्ट के लिए चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता है, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी जी? इनको रिस्पेक्ट दिलवाएं, इनको अच्छे से बिहेव करवाएंगे और कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करेंगे। और सर यहाँ पे पार्किंग के काफ़ी इशू लोग बता रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप अगर जीतते हैं तो? जी पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मैम नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका वकील साहब इंडिया में, आपका नाम जानना चाहूँगी। माई नेम इज़ कुसुमलता शर्मा और मैं प्रेजेंटली अभी बाहर में अपनी DBA में सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेजेंटली। पहली बार आप कितने साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ रह चुका है? देखो मैं प्रैक्टिस में तो 29 इयर्स से हूँ, आई एम इन प्रैक्टिस और मैं दो बार बनी हूँ। पहले मैं लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव थी, प्रेजेंटली मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। पहले क्या क्या काम आप यहाँ कर चुके हैं? आप जैसा कि आप बता रही पहले भी आप रह चुके हैं, तो क्या क्या आपने महिलाओं के लिए अदर क्या क्या काम यहाँ पे किए हुए हैं जी? देखिए महिलाओं के लिए जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने ये कोशिश किया है, जैसे कि लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, मंथली प्रॉब्लम होती हैं, उनके लिए मशीन लगाई गई हैं जिसमें कि सबको पता है टोकन डालो और उनको अपने टिश्यूज़ मिल जाते हैं। और सेकेंडली लेडी बार रूम के काफ़ी रिनोवेट किया गया है, उनके अकॉर्डिंगली इनको वॉशरूम्स को A1 स्टैंडर्ड बनाया गया है। और प्लस हम लोगों ने लेडी हो या जेंट्स हो जो भी नए लोग आए हैं उनको बैठने के लिए सुविधाएं की हैं, नए ब्लॉक्स बनाए हैं हमारी कमेटी ने। और सब लोगों को ही पता है आने जाने में प्रॉब्लम, सड़कों में इतने गड्ढे होते थे, पार्किंग की प्रॉब्लम, ये सब हमने कोशिश की है कि और अभी भी हमारा प्रयत्न है कि चाहे हम बार में हों चाहे ना हों, लेकिन हम ये प्रयत्न करते ही रहेंगे। मैम सर को सपोर्ट कर रही हैं जी, ही इज़ माई सन, तो ये इज़ कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ बिलो 10 में आ रहा है ये। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि यंगस्टर्स आते हैं और यंगस्टर्स को आने के बाद मतलब एकदम से ये लगता है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और इनको पॉकेट मनी तो एटलीस्ट मिलनी ही चाहिए, तो ये कोशिश करेंगे कि ये यंगस्टर्स के लिए जितनी हेल्प हो सकती है ही विल डू हिज बेस्ट। मैम पार्किंग का यहाँ पे लोग इशू बता रहे हैं, उसका रीज़न आप क्या मानती हैं? देखिए पार्किंग की जहाँ तक बात है ना मैडम, ये पार्किंग की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारी दिल्ली में है। और इसका जो प्रॉब्लम आती है, जो शुरुआत होती है वो रोड साइड से होती है, क्योंकि ISBT से लेके यहाँ पर जो पुल बना हुआ है यहाँ तक का जो है, मेरे को लगता है कि अगर देखो I am no one to say से ट्रैफिक पुलिस देखेगी, ज्वाइंट कमिश्नर देखेंगे, लेकिन अगर वो लोग अगर वो जो पुल उतर रहा है अगर उसको ISBT से ज्वाइन कर दें तो ISBT वाले डायरेक्ट चले जाएंगे, उसकी वजह से हमारे 30,000 में केओस क्रिएट हो जाता है। अंदर आने के बाद इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैडम कि सब लोग का एडवोकेट के स्टिकर्स लगा लेते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट द एडवोकेट्स, तो वो अंदर ले आते हैं तो हम एडवोकेट्स को प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको भी देखेंगे कि स्टिकर्स जो है अननेसेसरी अनऑथोराइज पर्सन को ना मिले। तो मैम इन फ्यूचर आप क्या क्या यहाँ पे डेवलप करना चाहेंगे, आपके क्या क्या प्लान है थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मैं एक तो ये चाहूँगी कि यहाँ पे एक क्रैच बने, कि चाहे जेंट्स एडवोकेट हैं चाहे लेडीज़ एडवोकेट्स हैं, बच्चों को दोनों माँ बाप को मिलके देखना होता है, तो अगर आते हैं अपने बच्चों को लाएं यहाँ पे क्रैच में रखें। और हम चाहेंगे कि चाहे हमें थोड़ा बहुत अपने तरफ से सब्सक्राइब भी करना पड़े देना पड़े तो हम देंगे, और प्लस ये पार्किंग की प्रॉब्लम देखेंगे। और हम ये चाहेंगे कि कोई भी हमारा साथी चाहे वो जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, उसको अच्छी एटमोसफेयर मिले, बैठने के लिए अच्छी जगह मिले।
शाम के टाइम यहाँ पे कुछ माहौल खराब लेडीजें बता रही है कि एक टाइम तक वो यहाँ पे रुक पा रही है, उसका क्या रीजन आप मानती है और क्या उसके लिए करना चाहेंगे थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, अगर ऐसा है कि कोई माहौल खराब है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऐसा कर सकते हैं, तो वो जरूर कोई अनऑथराइज पर्सन होंगे। इसके लिए हमारी कमेटी ने ये भी किया था कि 7 बजे के बाद कोशिश करें कि चैम्बर बंद रहें, और ये लोग कोई मुंशी बन के अपने आप को बिहेव करता है, कोई कुछ करता है, तो वो हम चेक करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे अगर दोबारा आते हैं तो इन लोगों को हम एक आई कार्ड देंगे, सो दैट एवरीबॉडी शुड कम टू नो, क्योंकि लेडीज़ भी आ जाती हैं जबकि वो लॉयर नहीं होती, कोट पहन लेती हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन यही लेंगे कि उनका हम लाइसेंस देंगे, जो मुंशी हैं या जो क्लर्क हैं, सो दैट अनऑथराइज पर्सन उनकी गार्ब में आ जाते हैं। लॉयर्स ऐसा नहीं कर सकते, एंड वी विल डू अवर बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।